सरस्वती की जगह जमुना। वाह, आज तो एक एक करके हमारे दुश्मनों का पूरा परिवार जमा होता जा रहा है। गांव वालों, इस वक्त गंगा की प्रेमिका और पत्नी दोनों यहाँ मौजूद हैं और आज इन दोनों के वस्त्रहरण देखने का मौका तुम्हें नसीब होगा। लेकिन इनके वस्त्रहरण रोकने के लिए आज कोई कृष्ण नहीं आएगा, कोई कृष्ण नहीं आएगा। जब जब इस धरती पर कंस ने जन्म लिया है, उसका सर कुचलने के लिए कृष्ण भी पैदा होता रहा है। मुझे तुझसे कई पापों का हिसाब लेना है ठाकुर। बोल कहां से शुरू करूं? अपनी मां के सुहाग से, जिसे तूने इस मगरमच्छ के हवाले कर दिया था, इन बहु बेटियों की इज्जत से, जिसे तू सरे बाजार नीलाम करना चाहता था, या इन गरीबों से जिनकी जमीनें छीनकर तूने इनके लिए दो गज जमीन भी ना छोड़ी। कहां से शुरू करूं ठाकुर? बोल कहां से शुरू करूं? हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। तुझसे तो मैं खाली हाथ ही निपटने आया हूं। सुना है कि मौत अपनी जगह और वक्त लिखाकर आती है। तेरी मौत वहां नहीं, यहां लिखी है। मौत की धमकी किसे देता है ठाकुर? मौत से तो मैं भी लड़के आ रहा हूं। तेरे पापों का बही खाता भर चुका है ठाकुर हंस। आज मैं उस पर मौत की मोहर लगाने आया हूं। चल आजा, देखते हैं कितनी ताकत है तुझमें। चला ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। Yeah.
बेटे, उठो, उठ गंगे। बेटा मुझे माफ कर दे। याद है एक दिन इसी जगह तूने मेरा दूध का दांत तोड़ा था ठाकुर, और मैंने कसम खाई थी कि एक दिन इसी जगह तेरी बत्ती सी न तोड़ी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। याद है? Thank you.